हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरआर ब्लॉग 7। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। तो आज मुझे जाना दिशा के ट्यूशन, अभी फिर निकलूँगा ऑफिस फटाफट 5 मिनट में ही। मैडम ने बोला है कि आ जाओ आप, कोई वर्कशॉप करा रहे हैं मैम, तो सर बुलाए हुए हैं उन्होंने। तो सर वो जो है कोई सिग्नेचर, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं तो वो उसी से बता देते हैं कि एक बंदे का व्यक्तित्व कैसा है, कैसी पर्सनैलिटी है इस बंदे की। तो मैं भी जा देखना चाहता हूँ भाई, एक साइन करने से ये अगर बंदे की पर्सनैलिटी पता लग रही है कि कैसा है, क्या कैसा व्यक्तित्व है उसका, तो चलते हैं फटाफट और होके आते हैं दिशा के ट्यूशन में। दिशा के ट्यूशन पहुँच चुका हूँ और दिशा का ट्यूशन दिखाता हूँ आपको। चलते हैं फिर दिशा के स्कूल ट्यूशन के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर ना मनीष सर आए हुए हैं और वो सिग्नेचर से बता देते हैं कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। तो देखते हैं मनीष सर क्या कहते हैं। आपने ये देखना है कि जो लास्ट में जो शब्द लिखने के लिए जगह बची है, क्या अगला शब्द वहां पर आ सकता है? अगर आ सकता है तो आपने वही लिखा, अगर नहीं आ सकता तभी वो अगली लाइन में। समझ पा रहे? इजी है, कोई टफ तो नहीं है काम, बहुत आसान है। क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं ये सिटी यहाँ आएगा नहीं आएगा? अगर आपको लग रहा है सिटी यहाँ आ सकता है तो आपने सिटी यहाँ लिखी है, बस इतना सा काम था। बहुत बड़ा चेंज नहीं करा, इतने से काम से आपका जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो बेटर हो जाएगा। आप जहां पे रहेंगे वहां पे कॉन्फिडेंट रहेंगे या आप वहां पे जाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि आप कॉन्फिडेंस से वो चीज नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते, तो आप वहां जाएंगे ही नहीं। जाएंगे तो उस चीज को कॉन्फिडेंटली फेस करें। दूसरी चीज, आपके पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे किसी एक ट्रेड से। इजी कर सकते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सिग्नेचर से ही कैसे बंदे की पर्सनैलिटी कैसे पहचान लेते हैं, मतलब क्या? जो आपकी हैंडराइटिंग है उससे जो वो शो करती है वो होता है कि आप किसी भी व्यक्ति से वन टू वन जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। अच्छा। या आप अपने आप से जब कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे करते हैं। और जो सिग्नेचर है वो शो करता है कि आप जब दूसरों से पब्लिक को आप क्या अपने बारे में बताना चाहते हैं वो उससे शो होता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने सिग्नेचर चेंज किए थे। अच्छा। वो दो लाइन में सिग्नेचर करते थे। अच्छा। आज उनके सिग्नेचर सिंगल लाइन में है। वो चेंज, अगर वो इतनी बड़ी शख्सियत अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को अचीव करने के लिए ये चेंजेस ला सकते हैं अपने सिग्नेचर में, तो ये साइंस सबके काम आ सकती। तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है सर? सिग्नेचर चेंज करने से आपकी जो पब्लिक पर्सनैलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अच्छा। हैंडराइटिंग चेंज करने से आपका जो अपना खुद से कम्युनिकेशन है और जो दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन है वन टू वन में या एक छोटी सी गैदरिंग में, तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में पॉजिटिवली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग में हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए? हैंडराइटिंग में जो मैं सबको बोलता हूँ वो सबसे बड़ी चीज है कि टी जो है दैट डिनोट्स आपका ईगो, और जो एल बी और एच है वो आपकी इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। अच्छा सर। तो मैं जो जनरली एक गाइडेंस है हम अगर किसी को बोल सकते हैं तो वो ये है कि आप अपने एल बी और एच को टी से थोड़ा बड़ा बोलें। अच्छा। ये जनरल आप बोल सकते हैं, किसी के लिए भी ये सूट करेगा, क्योंकि कभी भी ईगो बड़ा होना फायदे का कोई आपके अंदर कोई अच्छा कंपोनेंट नहीं डेवलप करेगा। अच्छा। ईगो आपकी इंटेलिजेंस से हमेशा कम ही होना चाहिए, नहीं तो फिर रावण बन जाएंगे। तो सिर्फ टी ही रहना चाहिए या और भी कोई वर्ड है? नहीं, अभी अगर हम कंपैरिजन करें जनरली तो यही बता सकता हूँ मैं, नहीं तो फिर एक स्पेसिफिक, हर इंसान का अपना एक पर्सनैलिटी है, उसका अपना एक एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए वो उसको गाइड करना। अच्छा। हाँ। तो सर आपसे ये, आप इसी चीज के ऊपर ही क्लास लेते हैं या कुछ अलग टॉपिक भी? मैं ग्राफोलॉजी की क्लास लेता हूँ, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। अच्छा। हाँ। तो अगर आपको किसी से मिलना हो आपसे तो आपको कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे? आप मेरे को
कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। हाँ जी बोल दीजिए सर, क्या नंबर है आपका? नंबर जो हमने थेरेपी के लिए रखा हुआ है वो मैं आपको शेयर, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक कर देंगे आपका। और बाकी एड्रेस वगैरह सर, कहीं मिलना हो तो आपसे? मैं ज़्यादातर ऑनलाइन कंसल्टेंसी ही करता हूँ। अच्छा सर। उसमें कोई भी व्यक्ति है, कितना भी डिस्टेंट है, आजकल डिस्टेंस की कोई वैल्यू है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको नंबर में शेयर कर दूँ। ठीक है सर। एस्ट्रोलॉजी वगैरह मतलब सारी चीज़? एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया। अच्छा। ग्राफोलॉजी? ठीक है सर। ग्राफोलॉजी इज द साइंस जो हम जो हैंडराइटिंग की और सिग्नेचर का एनालिसिस है उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भी आपसे अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो गाइज मैं दिशा के ट्यूशन गया था, तो आप लोगों ने भी देखा उनका, एक सिग्नेचर से ही वो पूरी एक्टिविटी आपके बता देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के वो हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना भविष्य के बारे में या कुछ भी, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं अंत। जय राम जी की, जय श्री राम।